दिल्ली क्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा पाउडर बनाना, यानी कि एक ऐसी सामग्री बनाना जिसे आप पाउडर भी बोल सकते हैं, एक ऐसा पाउडर बनाना जिसे आप इस्तेमाल करके आप अपने घर के इंसेक्टों को यानी कि कीड़े मकोड़ों को खत्म कर सकते हैं। ये स्पेशली हम खटमलों के लिए ही बना रहे हैं। आप इस पाउडर को इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाउडर को आप इस्तेमाल करेंगे और इसका धुआं आप अपने घर में करेंगे तो आपके घर के जितने भी खटमल है वो सारे मर जाएंगे, और इसके अलावा और भी इंसेक्ट है, जैसे कि आपके घर में मच्छर है, मक्खी है, कॉकरोच है, और भी छोटे मोटे इंसेक्ट है, वो सारे मर जाएंगे। एक तरीके से आपके घर के अंदर पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा और आपके घर के सारे इंसेक्ट मर जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या सामग्री लगेगी और क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। और उसको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे यूनिक क्यू चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप हमारे यूनिक क्यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या सामग्री और क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मटेरियल है दोस्तों पाउडर बनाने के लिए, जिससे आप खटमल, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच और यहाँ तक कि और भी छोटे मोटे इंसेक्ट को मारना है, और इसका जो धुआं करेंगे उसके लिए ये सामग्री है। ये देखता हूँ, ये तेजपात के पत्ते हैं, तो ये है तेजपात के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, बेलीफ, कम से कम आप 10 यानी कि 10 बेलीफ। गंधक पाउडर है, जी हाँ दोस्तों, गंधक पाउडर है। और ये है नींबू, नींबू के सूखे हुए छिलके, जी हाँ दोस्तों, लेमन के सूखे हुए छिलके, नीम के पत्ते सुखाए हैं जो कि के हमने छाए में, इसे धूप में नहीं सुखाना है। बेलीव्स, नीम और इन तीनों चीजों को मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बारीक बना लेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे, और उसके बाद उसके अंदर ये गंधक पाउडर डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, यानी कि एक मिक्सी में डालकर इसको पीस लेते हैं। और इसमें 10 तेजपात के पत्ते लेंगे और उसके बाद लेंगे ये नींबू के छिलके सूखे हुए, यानी कि लेमन पील्स, और उसको ये मिक्सी में डाल देंगे और ये नीम के सूखे हुए पत्ते पूरी तरह से इसके अंदर डाल देंगे और इसको बंद कर देते हैं, ढक्कन से बंद कर देंगे। और तो देखिए, ये बन गया पाउडर। ये हमने पाउडर बना लिया है, यानी कि ये सामग्री हमने बना ली है। इसके अंदर नीम के सूखे हुए पत्ते हैं, तेजपात के पत्ते हैं और नींबू के छिलके सूखे हुए हैं, तो ये तीन चीजें इसके अंदर हैं। ये फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये है गंधक पाउडर, जी हाँ दोस्तों, गंधक पाउडर। और ये है उपला, उपले के टूटा हुआ भाग है, यानी कि कुछ लोग इसे करसी कहते हैं, कुछ लोग उपला कहते हैं, कुछ लोग गोबर का कंडा कहते हैं। तो दोस्तों इस पाउडर को आपस में मिक्स कर लेते हैं। इसके लेते हैं हम 2 चम्मच, 2 से 2.5 या 3 चम्मच भी ले सकते हैं आप इसमें। और इसके बाद लेंगे हम गंधक पाउडर। जी हाँ दोस्तों, गंधक पाउडर आपको आसानी से बाजार में पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, और ये 1 चम्मच ही गंधक पाउडर हमने पहले से निकाल के रखा है, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा या फिर हवन सामग्री की दुकान पर मिल जाएगा। इसको आपस में मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद ये तैयार हो गया है आपके घर में स्मोक करने के लिए। ये उपला अब हम जला लेते हैं। इसको जलाने के बाद अब इसके ऊपर हम, ये देखिए, हम इसको हम जला लेते हैं इस तरह से, इसको सुलगा लें अच्छी तरह से ताकि कि कंडा आग ना फेंके। कंडा जलाने के बाद, गोबर का ये कंडा जलाने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच थोड़ा थोड़ा करके पाउडर डालेंगे। यह दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पाउडर डालेंगे ताकि कि इसका धुआं निकलता रहे, और जो व्यक्ति ये धुआं करेगा उसे अपने मुंह पर कपड़ा और आंखों पर चश्मा जरूर बांधना होगा। जी दोस्तों, ये सावधानी है, मुंह पर कपड़ा और आंख पर गॉगल्स यानी कि चश्मा लगाना होगा, और ये धुआं पूरे घर में कर दें, और जैसे भी ये घर में धुआं ज़्यादा होने लगे तो आप उसके बाद घर को बंद कर दें। घर को पूरी तरह बंद करने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए दरवाज़ा, खिड़कियां सब कुछ बंद कर दें, और घर के अंदर कोई भी नहीं रहना चाहिए। 1 घंटे के बाद आप
दरवाज़ा खोलेंगे तो घर का पूरा धुआं बाहर निकल जाए, उसके बाद ही आप अंदर इंटर करें यानी कि अंदर घुसे। उसके बाद देखेंगे आपके घर के जितने भी खटमल थे, मच्छर, मक्खी और कॉकरोच, स्पाइडर्स वगैरह, ये सब मर जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।